अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों ने अपने अहले खाना के हमरा ईद के अय्याम बखैर व आफियत गुजारे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी की वजह से भारत को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ICC की जानिब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को साफ अल्फाज में कह दिया गया है कि आइंदा किसी भी मैच में धोनी इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट के इंसिग्निया वाले ग्लव्स नहीं पहन सकते। इस पर भारतीयों का रद्दअमल काफी मजाका खेज है और ICC के इस फैसले के बाद भारत की जानिब से TV चैनल्स और सोशल मीडिया पर काफी जोरदार बहस जारी है कि इंडिया को ICC वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देना चाहिए। ICC के फैसले पर भारतीयों के रिएक्शन और भारतीयों की अपनी आर्मी के लिए जज्बाती वाबस्तगी की वजह पर बात करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, इंडिया ने अपना पहला मैच 5 जून 2019 को साउथ अफ्रीका के साथ खेला और इस मैच में धोनी की जानिब से इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट के इंसिग्निया वाले ग्लव्स पहने गए, जिस पर वो ICC के रडार में आ गए और ICC की जानिब से कहा गया कि मिलिट्री के निशान वाले ग्लव्स दौरान मैच नहीं पहने जा सकते, जिस पर भारतीयों की जानिब से सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक के भारत सरकार की तरफ से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सख्त तरीन हिदायत जारी की गई कि इस मामले पर झुकना नहीं है बल्कि ICC से बात की जाए और धोनी का साथ दिया जाए। इसके बाद BCCI के CEO राहुल जौहरी के बारे में इत्तला सामने आई कि वो इस मामले पर बात करने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। इसी दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तहरीरी तौर पर ICC से दरख्वास्त की गई कि भारतीय विकेटकीपर महेंद्रा सिंह धोनी को पैरा रेजिमेंट के इंसिग्निया वाले ग्लव्स पहनने की इजाजत दी जाए, जिस पर कल रात ICC की जानिब से हतमी फैसला सुना दिया गया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, जिसमें मुतालबा किया गया था कि धोनी को डैगर इंसिग्निया वाले ग्लव्स पहनने की इजाजत दी जाए। ICC के इस फैसले के बाद चेयरमैन BCCI कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विनोद राय की जानिब से कहा गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस मामले को मजीद बढ़ावा नहीं देगा, हमने ICC से नरमी की दरख्वास्त की थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया और हम ICC के फैसले को तस्लीम करते हैं। यानी भारत की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि अगर ICC इजाजत नहीं देगा तो भारत बायकॉट कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और ना ऐसा करने की भारत में हिम्मत है। अलबत्ता भारतीय टीवी चैनल्स के एंकर्स और भारतीय शायकीन ने अभी तक तूफान बदतमीजी मचा रखा है कि ICC ने इजाजत ना देकर हमारी तोहीन की है और हमें वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देना चाहिए। तो भारतीयों को शायद ये पता नहीं है कि मेगा इवेंट का बायकॉट करने की सूरत में भारत की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी, जिसका साफ और सीधा मतलब हर किस्म की बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे भारत के लिए बंद हो जाएंगे। भारतीय मीडिया चैनल्स की जानिब से इस मसले को अना का मसला बना लिया गया है और पिछले 2 दिन से भारतीय एंकर्स अपने स्टूडियोज में ऐसे चिल्ला रहे हैं कि जैसे मिलिट्री के निशान वाले ग्लव्स के बगैर भारतीय क्रिकेट टीम की कोई पहचान नहीं है। भारतीय चैनल की जानिब से सोशल मीडिया पर सर्वे करवाए जाने लगे और सवाल पूछा जाने लगा कि क्या इंडिया को वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देना चाहिए, जिसका जवाब अक्सरियत की जानिब से यही दिया गया कि बायकॉट करना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी ने भारत भर में जंगी जुनून की फिजा कायम कर दी है। भारतीयों की जानिब से धोनी के मिलिट्री के निशान वाले ग्लव्स की हिमायत को देशभक्ति और अपनी आर्मी को इज्जत देना बताया जा रहा है, तो इन्हें पता होना चाहिए कि आर्मी को इज्जत दी नहीं जाती बल्कि आर्मी अपनी इज्जत खुद बनाती है और एक ऐसी आर्मी को इज्जत देने वालों का दिमागी मुआयना जरूर होना चाहिए क्योंकि उनकी आर्मी के पास ना तो खाने को दाने हैं और ना ही हगने को शौचालय। भारत की जानिब से 7 लाख से ज्यादा की आर्मी कश्मीर में डिप्लॉय करने के बावजूद आज भी मासूम कश्मीरियों के पुरअम नारों से डरने वाली फौज को आर्मी नहीं बल्कि कुछ और कहते हैं। मेरे ख्याल में ICC की जानिब से धोनी को मिलिट्री के इंसिग्निया वाले ग्लव्स न पहनने की इजाजत देना असल में भारतीय क्रिकेट टीम की मदद की गई है, क्योंकि अगर धोनी को इस बात की इजाजत दे दी जाती तो फिर पाकिस्तानी शाहीन भारत के खिलाफ मैच में अपने जूतों पर अभिनंदन की तस्वीर चिपका कर और अपनी शर्ट पर फ्री कश्मीर का स्लोगन लगाकर मैदान में उतरते और पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग के दौरान JF-17 थंडर के निशान वाले बैट्स इस्तेमाल करते हुए भारतीय बॉलर्स को 27 फरवरी 2019 का दिन याद करवा देते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ऐसा करने पर भारत को कितनी मिर्चें लगती। वैसे भी तारीख गवाह है कि जब भी इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से अपनी मनहूस आर्मी से मुंसलिक कोई भी चीज इस्तेमाल की गई है तो काफी कुत्ते वाली हुई है। आपको याद होगा कि अब से कुछ अरसा पहले
ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया और भारत ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच हरा चुका था। साफ लग रहा था कि भारत 5 मैचों की सीरीज जीत जाएगा, लेकिन इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने इंडियन आर्मी की मनहूसत पहनने का फैसला किया और तीसरे मैच में इंडियन क्रिकेट टीम भारतीय आर्मी की कैप्स पहने मैदान में उतरी। बस तब से भारतीय क्रिकेट टीम की मनहूसत शुरू हुई और ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतने में कामयाब रहा। और ऑस्ट्रेलिया की जीतने में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान आर्मी के खुफिया कैप्टन उस्मान ख्वाजा ने अदा किया, जिन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की और 3 में से 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो बजाहिर लगता यह है कि आईसीसी की जानिब से धोनी को मिलिट्री के निशान वाले ग्लव्स पहनने की इजाजत ना देना असल में आईसीसी की जानिब से भारतीय क्रिकेट टीम की इज्जत बचाने की एक कोशिश है। तो अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।